मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबों को जय मसीह की। आज के समय में बहुत सी जगह मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। कहीं किसी को पीटा जा रहा है तो कहीं चर्च में तोड़फोड़ की जा रही है और मसीह लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। और उसे देखते हुए लगता है कि अंत का समय चल रहा है और जल्द ही प्रभु यीशु बादलों पर आने वाले हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में लिखा है कि अंत के दिनों में बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े होंगे और लोगों को सताएंगे और उस पर अत्याचार करेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, हम लोगों को नहीं डरना है बल्कि खुश होना है, क्योंकि जब प्रभु यीशु आएंगे तो वही सबों का न्याय करेंगे और हमें बादलों पर ले जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभु कहते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पद संख्या 25 में, जो शिक्षा तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसमें दृढ़ बने रहो। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें प्रभु की आज्ञाओं में बने रहना है और हमें किसी भी अत्याचार से नहीं डरना है, और हमें प्रभु यीशु का सुसमाचार को खुल के प्रचार करना है और उसके वचनों पर बने रहना है, तभी प्रभु यीशु अपने साथ हमें ले जाएंगे। मेरे दोस्तों, जिस प्रकार चाइना में चाइना के राष्ट्रपति और चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से ने चाइना के मसीह लोगों पर इतना अत्याचार किया है कि उन्होंने बोला है कि जिनके घरों में जीसस की फोटो है उनको हटाकर चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंगी की फोटो लगाएं। और वहाँ के राष्ट्रपति ने ईसाई धर्म को मानने से भी मना किया है और वहाँ बहुत सारे चर्चों में तोड़फोड़ भी किया है और प्रभु यीशु के क्रूस में भी आग लगाया और बहुत सारे मसीही लोगों को पीटा भी गया है। लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों, चाइना में मसीहों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और वो लोग छुप छुप कर गुफाओं में जा कर प्रभु की महिमा को करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग भी डटे रहें, दृढ़ बने रहें जब तक प्रभु यीशु आ नहीं जाते हैं, उसके वचनों पर, उसके मार्गों पर चलते रहें। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।